नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन रतिराम में। और मैं रतिराम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है दोस्तों प्रिंटर के बारे में। हमने इससे पहले कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की बाकी सारी जानकारी, कंप्यूटर की डिवाइसेस, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, सीपीयू, इसके बारे में 5 से 6 लेक्चर बड़ी आसानी के साथ आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करी दोस्तों। और ये जो हमारा नया लेक्चर है, इसके अंदर हम प्रिंटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ प्रिंटर की मैं बात करूं, तो एक सिंपल सी परिभाषा अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में जानने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले सिंपल की बिल्कुल एक बेसिक सी प्रिंटर की परिभाषा वो होती है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में जो बदल दे। कहने का मतलब कंप्यूटर से प्राप्त जानकारियां, कंप्यूटर से प्राप्त डाटा, कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारियां हमें कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस करके जो देता है, उसको अगर हम हार्ड कॉपी में जो प्रिंट करने का काम करता है दोस्तों, वो करता है हमारा प्रिंटर करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? प्रिंटर। तो ये तो बात हुई किसकी? प्रिंटर की। सॉफ्ट कॉपी को किसमें बदलता है दोस्तों? हार्ड कॉपी में। एग्जाम की दृष्टि से प्रिंटर बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसके अंदर से काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आशा करूंगा आप बड़ी ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्रिंटर की सबसे पहले जान लेते हैं आवश्यकता ही क्यों पड़ी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर बहुत ज्यादा तेज गति से काम करता है, उतनी ही तेज गति से हम उसको चीजों को प्रिंट कंप्यूटर के माध्यम से नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जैसे कि हमारे पास यदि कोई डॉक्यूमेंट है, तो जिस गति से उसको प्रिंट कमांड देने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके बाहर आउटपुट में डाल देता है, उतनी तेजी से हमारा कोई भी प्रिंटर उसको प्रिंट नहीं कर सकता दोस्तों। तब जाके प्रिंटर की आवश्यकता महसूस हुई, एक इस प्रकार के प्रिंटर की आवश्यकता महसूस हुई जिसके अंदर खुद की मेमोरी हो दोस्तों। खुद की मेमोरी से यहाँ तात्पर्य है, कहने का मतलब कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को वो अपने पास रख लें और क्रमबाई धीरे 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 उसको प्रिंट करता हुआ चला जाए दोस्तों। इस कारण प्रिंटर की हमें आवश्यकता पड़ी। अब दोस्तों प्रिंट और प्रिंटर होता क्या है? तो जो भी चीजों को प्रिंट करने का काम करता है वो प्रिंटर होता है, और चीजों को छापने का काम है वो प्रिंट कहलाता है दोस्तों। अब जो ये छापने की विधि है ना दोस्तों, इसी के कारण प्रिंटर को वर्गीकृत किया गया दोस्तों। क्यों किया गया? छापने की विधि के कारण ही प्रिंटर को वर्गीकृत किया गया दोस्तों। क्यों किया गया? क्योंकि प्रिंटर दो तरीके के होते हैं दोस्तों मूल रूप से। कितने तरीके के होते हैं दोस्तों? दो तरीके के मूल रूप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है वो इम्पैक्ट छोड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं मूल रूप से इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम केवल और केवल इम्पैक्ट प्रिंटर को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका नाम इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों पड़ा? सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये प्रभाव छोड़ता है दोस्तों। क्या छोड़ता है? प्रभाव छोड़ता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये प्रभाव कैसे छोड़ता है। आपने टाइपराइटर देखा दोस्तों, टाइपराइटर में जब आप किसी भी की पे अपनी उंगली प्रेस करते हैं तो एक हैमर टाइप का आता है, अखबार पे ऐसे गिरता है जिस भी पेज पे आप वर्क कर रहे हो, और उस पेज पे जो भी अक्षर आपका हैमर आया है वो अक्षर वहां पे छप जाता है दोस्तों। वो एक ठोस मुद्रा में वहां होता है। कहने का मतलब एक हैमर ठोस मुद्रा में वो कार्बन या किसी भी चीज को आगे लगा हुआ होता है, उस तरीके से यहाँ पे प्रभाव छोड़ता है दोस्तों। अब जो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर ना, ये दो तरीके से प्रिंट करते हैं दोस्तों। एक तो आप क्या करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट विधि से। कैसी विधि से दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंट विधि, जिसके अंदर छोटे छोटे डॉटों के द्वारा अक्षर को बनाया जाता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंट विधि के द्वारा होती है एक हेड के द्वारा प्रिंट दोस्तों। वो हेड के द्वारा प्रिंट कैसे होती है? हेड के द्वारा प्रिंट ऐसे होती है, जैसे कि मान लो आपको बी बनाना है, ये बी, और ये बी सीधा का पहले से ही बना हुआ है, इसके ऊपर कार्बन या कोई भी चीज ऐसी लगी हुई है, बस वो बी आएगा पेज पे ऐसे टकराएगा, और ऐसे टकराने के साथ ही वो बी अपना प्रभाव उस पेज के ऊपर छोड़ देगा और वहां पे बी अक्षर छप जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस इम्पैक्ट प्रिंटर में भी हम 2-3 तरीके के प्रिंटरों को पढ़ते हैं दोस्तों। तो इस इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम इसीलिए इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि ये प्रभाव छोड़ता है दोस्तों। अब इस इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो सबसे पहला प्रिंटर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है आपका डॉट मैट्रिक्स। बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों डॉट मैट्रिक्स।
दोस्तों मेरे पास जितने संसाधन मौजूद है उन संसाधनों का सबका उपयोग करते हुए मैं मोबाइल फोन से भी रिकॉर्डिंग करते हुए जितना मेरे से अपना बेस्ट बन पा रहा है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आशा करता हूं मेरे द्वारा अगर कोई कमी छूट भी जाती है तो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे बताने की कोशिश करेंगे, और यदि फिर भी आपको और कोई कमी लगती है तो आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स का नाम सुनते ही आपके सवाल आ गया होगा मन में, डॉट डॉट क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, जो एक तो डॉट विधि से प्रिंट करते हैं और एक आपके हैमर के रूप में प्रिंट करते हैं। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो होता है जिसमें छोटी छोटी डॉट पहले से ही मिलकर बनी होती है, यानी कि मान लो हमें ये ए अक्षर बनाना है तो ए अक्षर को जनरेट करने के लिए अलग अलग डॉट छोटी छोटी डॉट मिलकर बनी होती है पहले से ही। ये डॉट मिलकर एक ए अक्षर का निर्माण करती है। अब सबसे बड़ा बात आता है कि पहले से ही ए अक्षर बन के मौजूद होता है? नहीं दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कैरेक्टर पहले से बने हुए नहीं होते, इसीलिए ये अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरों को छाप सकता है। तो अब आप कहोगे इसमें पहले से कैरेक्टर बने हुए नहीं है तो ये किस प्रकार से कैरेक्टर बनाता है? दोस्तों इसके अंदर पहले से ही सॉफ्टवेयर डेवलप करके कोडिंग की जाती है। कोडिंग किसके रूप में की जाती है? इसके अंदर 0-1 की कोडिंग की जाती है, और कोडिंग के माध्यम से ये क्या करता है दोस्तों, कोडिंग के माध्यम से ये अक्षरों को अपने कोड में तोड़ लेता है अलग तरीके से। जैसे कि मान लो आपने ए प्रिंट करने के लिए इसको दिया तो ये क्या करेगा, उसको 0-1 की फॉर्म में अपने अनुसार तोड़ लेगा दोस्तों, इसकी कोड को तोड़ लेगा, इसको कोडिंग कर देगा यहां से। और इसके कोड को तोड़ के इसमें जो हेड होते हैं उसमें अलग अलग डॉट बनी हुई होती है दोस्तों, छोटी 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 डॉट्स बनी हुई होती है। वो डॉट्स क्या करती है, मिलके अक्षर का निर्माण कर देती है दोस्तों। किसका निर्माण कर देती है? अक्षर का निर्माण कर देती है। अब ये डॉटों की संख्या अलग अलग हो सकती है दोस्तों, कितनी हो सकती है, 7, 9, 14, 18 और 24। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो डॉटों की संख्या होती है दोस्तों 7, 9, 14, 18 और 24 इतनी ही हो सकती है, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको बड़े ही आसानी के साथ ध्यान भी रख सकते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात आ जाती है, प्रिंट कैसे करता है दोस्तों? तो जब ये कोडिंग कर लेता है, उस अक्षर को जनरेट कर लेता है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइन की दिशा में आगे बढ़ता है इसका हेड क्या होता है, वो लाइन की दिशा में आगे बढ़ता हुआ जाता है दोस्तों, आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा और वो जो डॉट बनती जाएगी उनको पेज के ऊपर ऐसे छाप छोड़ता हुआ चला जाएगा दोस्तों। अब बात कर ले इसमें पूर्व निर्मित में तो कोई अक्षर नहीं होते, तो फिर ये छाप तो लेता है, इसकी स्पीड कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी स्पीड होती है दोस्तों 300 से 600 कैरेक्टर। दोस्तों मैं पूर्ण रूप से कोशिश करता हूं कि छोटे वीडियो में कम से कम समय में आप लोगों के लिए वो जानकारी यहां पे प्रोवाइड करूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी है, आपको जाननी चाहिए। कितने कैरेक्टर छाप सकता है? 300 से 600 कैरेक्टर। इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती दोस्तों, आवाज भी काफी ज्यादा करता है, स्पीड भी इसकी औरों के मुकाबले काफी धीरी है, इसलिए इसका उपयोग केवल चुनिंदा जगहों पे, खासकर एक तो आपने रेलवे टिकट फॉर्म में देखा होगा दोस्तों, रेलवे में जो आपके टिकट छपके आते हैं वो डॉट मैट्रिक्स विधि से। बैंकों में कुछ जगह आपने पासबुक प्रिंट करवाई हो तो आजकल तो वैसी वाली भी हो गई, पहले जो होती थी वो डॉट मैट्रिक्स वाली विधि से होती थी दोस्तों। तो ये तो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसके अंदर छोटे छोटे डॉटों के माध्यम से अक्षर को छापा जाता है, पहले से जो अक्षर मौजूद नहीं होते ये अपने आप खुद कोडिंग कर लेता है, अक्षरों को अपने अपने कोड में तोड़ लेता है, अलग अलग पिंस होती है, ये लाइन की दिशा में आगे बढ़ता है और छापता हुआ चला जाता है। इसकी गति 300 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड की होती है दोस्तों। ये तो बात हुई हमारी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में दोस्तों। अब अगला जो हमारा प्रिंटर है दोस्तों वो है डिजी व्हील प्रिंटर। दोस्तों जब दुनिया में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार हो गया उसके बाद लोगों को जरूरत पड़ी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाई जाए, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी बढ़ाई जाए, इसलिए डेजी व्हील प्रिंटर का आविष्कार हुआ दोस्तों। डेजी व्हील इसका नाम डेजी व्हील कैसे पड़ा सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है आपका क्या प्रिंटर है, जो डेजी व्हील प्रिंटर है इस डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, एक फूल की तरह गुच्छा होता है अक्षरों का ऐसे गोल करके, और इस पे लाइनें बनी हुई होती है और इस लाइन के ऊपर हेड लगे हुए होते हैं अलग अलग तरीके के हेड। क्या लगे हुए होते हैं दोस्तों? अलग अलग तरीके के हेड लगे हुए होते हैं दोस्तों। इन हेडों के ऊपर क्या होता है, अक्षर बने हुए होते हैं पहले से ही। हाँ, इस बात का ध्यान रखना जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर आप लोगों का जो कैरेक्टर थे वो पहले से बने हुए नहीं होते थे, लेकिन जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर में अक्षर पहले से ही बनके मौजूद होते हैं दोस्तों। क्या होता है, डेजी व्हील प्रिंटर में अक्षर पहले से ही मौजूद होते हैं। ये एक फूल के आकार का होता है, उस फूल का नाम क्या है दोस्तों, डेजी, और ये व्हील की तरह काम करता है, घूम घूम के छापता है, या एक गोल चक्रनुमा होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, इसीलिए इसका नाम डेजी व्हील पड़ गया दोस्तों। क्या पड़ गया दोस्तों, इसीलिए इसका नाम डेजी व्हील पड़ गया दोस्तों, इसका नाम डेजी व्हील पड़ गया। पहली बात तो ये हो गई, इसकी क्षमता उच्च होती है, कैरेक्टर को छापने की क्षमता के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी उच्च होती है, और इसमें एक उभरा हुआ हैमर होता है दोस्तों। जैसे कि मान लो आपको ए अक्षर छापना है, तो इस जगह हैमर पे मान लो वो ए अक्षर लगा हुआ है, तो ये क्षैतिज दिशा में काम करता है। किसकी क्षैतिज दिशा में, पेपर आगे खिसकता जाता है, जैसे आपने टाइपराइटर में देखा होगा, एक हैमर आता है, पेज पे टकराता है ठप, और ये उसको छाप देता है दोस्तों। क्या कर देता है, छाप देता है दोस्तों। इसकी क्षमता इसके सॉरी डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले ज्यादा होती है, इसकी गुणवत्ता भी उसके मुकाबले ज्यादा होती थी दोस्तों, और ये कागज की दिशा में आगे बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। इसे हम क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी इसे जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से, क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता था। अब हालांकि इनका चलन भी बहुत कम हो गया, जब से नॉन इम्पैक्ट वाले प्रिंटर, आपके लेजर प्रिंटर हो गया, आपके साई वाले आ गए, लिक्विड वाले आ गए, हेड वाले आ गए, तब से इनका उपयोग बहुत कम हो गया है दोस्तों। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर के बाद बारी आ जाती है आपके एक और लाइन प्रिंटर की दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही प्रिंटर उन सबके मुकाबले बहुत कम गति से काम करते थे, इसीलिए जैसे जैसे आविष्कार बढ़ते गए, कंप्यूटरों की क्षमता में भी वृद्धि होती चली गई। अब हुआ क्या, जब कंप्यूटरों की क्षमता में वृद्धि हुई तो इनकी स्पीड को बढ़ाने के बारे में सोचा गया, और जब स्पीड को इनके बारे में बढ़ाया गया तो स्पीड बढ़ाने के साथ ही एक प्रिंटर का आविष्कार हुआ, लाइन प्रिंटर दोस्तों, लाइन प्रिंटर। अब ये जो लाइन प्रिंटर है दोस्तों, ये एक तो क्या होते थे, उच्च गति वाले होते थे, उच्च गति वाले होने के साथ ही क्या थे, लाइन को, एक पूरी लाइन को एक बार में छापते थे दोस्तों, पूरी लाइन को ही एक बार में छापने का काम करते थे दोस्तों। 300 से 3000 लाइनें, 300 से 3000 लाइनें, प्रति मिनट। तो इस बात से आप इनकी गति का अंदाजा भी यहां से बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं दोस्तों। 300 से 3000 लाइनें बड़ी आसानी के साथ ये छाप देता था, इसलिए उच्च गति प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर। लेकिन इस लाइन प्रिंटर के अंदर तीन प्रकार के प्रिंटरों का आविष्कार किया गया दोस्तों। कितने प्रकार के प्रिंटरों का, तीन प्रकार के प्रिंटरों का, जिसमें सबसे पहला था ड्रम प्रिंटर। ये हम यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। एक तो था आपका ड्रम प्रिंटर, दूसरा था आपका चैन प्रिंटर, और चैन प्रिंटर के बाद ही आपका एक तीसरा आ जाता है दोस्तों, बैंड प्रिंटर। अब ये तीन प्रिंटर है, तीनों ही एक साथ लाइनें छापते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर किसी के अंदर भी नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रम प्रिंटर के बारे में दोस्तों। जो आपका ड्रम प्रिंटर था दोस्तों, ये जो ड्रम प्रिंटर था, इसके अंदर ड्रम होता था, क्या होता था दोस्तों, एक ड्रम होता था जो गोल गोल घूमने का काम करता, उस ड्रम के ऊपर ही अक्षर बने हुए होते थे। मान लो जैसे कि एक ड्रम है, इस तरीके से आपका ये ड्रम होता था दोस्तों, ये इस तरीके से एक ड्रम होता, इस ड्रम पे मान लो ए ए ए ए बी 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 बी, ऐसे सी सी डी 1 2 3 4 आपके सारे के सारे अक्षर छपे हुए होते थे दोस्तों। अब क्या होता था, जिस जगह आपको मान लो प्रिंट करना है अक्षर ए, तो जैसे ही वो अक्षर ए पेज के सामने जाता, पीछे से एक हैमर आएगा और उस कागज को उस जगह से दबा देता था, उस कागज पर उसका इम्पैक्ट पड़ जाता और वो अक्षर ए छप जाता, उसके बगल में बी छापना, बी छप जाता, उसके बगल में एक्स छापना, जेड छापना, जो भी छापना होता था वो एक बार के घूर्णन में। कहने का मतलब, जब ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता, तो एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर में एक लाइन छापता दोस्तों, कितना छापता, एक चक्कर बराबर एक लाइन। जब ये एक चक्कर अपना पूरा कर लेता, तो एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ ही एक लाइन छाप देता था दोस्तों। ये तो बात हुई किसकी, ड्रम प्रिंटर की, वही इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर है ये ड्रम प्रिंटर। हमने उससे पहले डेजी व्हील पढ़ा, डेजी व्हील से पहले हमने डॉट मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें डॉट छपते थे, डेजी व्हील में हैमर का उपयोग होने लगा, और उसी हैमर में लाइन प्रिंटर का आविष्कार हो गया दोस्तों। इसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों चैन प्रिंटर की। अब ये जो चैन प्रिंटर होता था ना दोस्तों, इसमें क्या हुआ, ड्रम का आविष्कार खत्म कर दिया, कहने का मतलब ड्रम का उपयोग बंद कर दिया इसके अंदर। इसके अंदर क्या था, एक चैन होती थी, मान लो ऐसी चैन है, एक गोल चैन, इस चैन के बगल में से कागज निकलता, यहां से इसके अंदर से होते हुए तो वो कागज निकलता था,
ठीक है दोस्तों, अब वो अंदर से कागज निकलता और ये चैन ऐसे गोल 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 घूमती रहती दोस्तों, ऐसे 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 गोल गोल घूमती रहती चैन, और उस चैन के ऊपर अक्षर छपे हुए होते थे, इसीलिए इसे प्रिंट चैन भी कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? प्रिंट चैन भी कहते हैं इसे। क्या कहते थे दोस्तों? प्रिंट चैन भी कहते थे क्योंकि इसके ऊपर कैरेक्टर छपे हुए होते थे, इसके ऊपर कैरेक्टर छपे हुए होते थे, और जब किसी भी कैरेक्टर को छापना होता था कागज के ऊपर, तो जैसे ही ये घूम के उस जगह पे आएगी, मान लो इस जगह छापना है, तो जैसे ही ये घूम के इस जगह आएगी, इसके पीछे से एक हैमर आता, कागज पे टकराता, और उन दोनों के प्रेशर के कारण कागज पे वो अक्षर छप जाता दोस्तों। इस तरीके से ये चैन प्रिंटर आपका छापने की कोशिश करता था दोस्तों। किस चीज को? कैरेक्टर को। किसके ऊपर? कागज के ऊपर छापने का। उसी कड़ी में एक बैंड प्रिंटर का आविष्कार हुआ दोस्तों। किसका आविष्कार हुआ? बैंड आविष्कार हुआ दोस्तों। कहने का मतलब, होता तो बिल्कुल चैन प्रिंटर की तरह ही था, इसमें भी एक प्रकार की चैन होती थी दोस्तों, लेकिन इस चैन पे अक्षर नहीं होते थे, इस पे क्या होता था, इस पे एक स्टील का बैंड लटका दिया गया। क्या लटका दिया गया? एक स्टील का बैंड लटका दिया गया, उस स्टील के बैंड के ऊपर अक्षर होते थे, वही घूमने का काम करता, एक बार घूमने में एक लाइन छापता और ये स्टील का बैंड घूम के वापस अपनी जगह आ जाता एक लाइन को छापने के बाद। इस तरीके से आज हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जाना दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ साथ ही हमने डेजी व्हील प्रिंटर को जाना दोस्तों। डेजी व्हील प्रिंटर के बाद लाइन प्रिंटर में हमने ड्रम, चैन और आप लोगों का बैंड प्रिंटर को जाना दोस्तों। इस तरीके से हमने 4-5 प्रिंटर को आज आप लोगों तक पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करी दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम इसका जो दूसरा पार्ट रह रहा है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हम लेजर प्रिंटर को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आपके लिक्विड वाले प्रिंटर आते हैं उनको पढ़ेंगे, और बड़ी आसानी के साथ जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम से संबंधित ज्ञान को दोस्तों। तो आप लोगों से चलते चलते बस एक ही आशा, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हो सके तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।